हिसार जिले के सिसाई गांव स्थित पहलवान चंदकी राम अखाड़ा की बिल्डिंग में बीती रात अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। आग में जलकर अखाड़े का रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। गांव वालों को सुबह इस घटना के बारे में पता चला, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था और आग बुझ चुकी थी। अखाड़े में लाखों रुपए की कीमती मैट व खिलाड़ियों का सामान, साउंड सिस्टम भी जल गया। इस अखाड़े को विवाद के कारण गत 20 जनवरी को प्रशासन द्वारा सील किया गया था। अखाड़े के कोच पहलवान सुभाष ने 3 लोगों पर इस घटना को अंजाम देने का शक जताया। सुभाष के अनुसार रजिशन उनके अखाड़े में आग लगाकर सामान को जलाया गया है। जब 20 जनवरी को प्रशासन ने अखाड़े को सील किया था तो उस समय भी उनको सामान निकालने नहीं दिया गया था और रात को ये आग वाली घटना हुई है। अखाड़े के कोच सुभाष पहलवान ने बताया कि अखाड़े का निर्माण पहलवान चंदकी राम ने करवाया था। वह CISF से रिटायर है। पेंशन आने के बाद मैंने अपने पैसों और गांव के सहयोग से यहां खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था की थी। एक साल पहले 2-3 शरारती किस्म के लोग अखाड़े में आने लगे थे। उन लोगों को अखाड़े से बाहर कर दिया गया था। इसके बाद उनके द्वारा अखाड़े का अवैध रूप से बनाने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद प्रशासन द्वारा अखाड़े को सील कर दिया गया था। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।